ओम शांति। आज की बाबा की मुरली है 21 अप्रैल 2021। आज बाबा ने शांति स्वधर्म है यह स्मृति दिलाते हुए कहा कि शांति मांगने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, क्योंकि शांति आत्मा के गले का हार है। फिर बाबा ने कहा, सिर पर जो पापों का विकर्मों का बोझा है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। देह और देह के सहित सब संबंधों को बुद्धि से छोड़ एक बाप को याद करना है। याद में रहना यह बुद्धि का काम है। आज प्यारे बाबा बोले कि जब भी किसी को ज्ञान सुनाते हो व ज्ञान की लेन देन करते हो, अनुभव सुनाते हो, तो बाबा बाबा करते रहो। बाबा बाबा करते रहेंगे तो अपनापन समाप्त हो जाएगा और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है इस बात को भी सिद्ध कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, सत्य बाप द्वारा जो सच्ची बातें सुनते हैं उससे सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में ले आना है। अभी सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में ले जाना। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो? तो बाबा ने उत्तर दिया, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन अर्थात मैंपन समाप्त हो जाएगा। वर्षा भी याद रहेगा, बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाएगा। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी हैं, तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है। आज मुरली में गीत हैं, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा, भगवान को बाबा कहा जाता है ना, भगवान बाप हैं तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं, हम अंधियारे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोजरे में ले जाओ। बाप कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रसना नहीं आती, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। तुम पुकारते हो, बाबा हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्मा का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं, एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहाँ दीवा बुझ न जाए। बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, वह है हद की बात। यह तो बेहद का दिन और बेहद की रात है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरे खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं, द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की एक स्टोरी बनाई है, स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, मनोमय अर्थात कल्पना करके स्टोरी बनाते हैं, जैसे बायोस्कोप नाटक आदि बनाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए, परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, उनको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है।
यह है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स अर्थात हम सभी आत्माओं का एक ही शिव बाबा ब्राइड ग्रूम अर्थात सलोना साजन है। यह मनुष्य नहीं जानते, इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, तो मूंज पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो, कहते हैं ओ गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है, गॉड को पहचानते हो, तो कह देते हैं सर्वव्यापी हैं। अरे बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या, रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान है नंबर वन, अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते हैं मैं फलाना हूँ। यह तो हो गई शरीर की बात, असल में स्वयं कौन है यह नहीं जानते। मैं जज हूँ, मैं यह हूँ, मैं कहते रहते, परंतु यह रॉन्ग है। मैं और मेरा यह दो चीज़ हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती, वह किस में आते हैं, यह किसी को पता नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है, परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब है सालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं, एक शिव सब आत्माओं का बाप है, वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। हम दुखी हैं, आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं, और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते। दुखी बनाया है रावण ने, बाप समझाते हैं यह रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है, तो अभी सब अंधियारे में है, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोजरे में ले जाओ। भारत सुखधाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी, यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है, शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है, वहाँ तो सुख ही सुख है, तुमको चिल्लाना नहीं होता है। दुख में चिल्लाते हैं रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ, शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ। आते जरूर हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं, परंतु कृष्ण कब आया यह किसी को पता नहीं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य ही पुकारते रहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा उनका नाम रूप क्या है, तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो ओ गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। आकाश पोलार हैं, उनका भी नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते, अच्छा अपने को जानते हो। हाँ हम आत्मा हैं। अच्छा आत्मा का नाम रूप बताओ, फिर कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती, आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, ब्रकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुंधा हुआ है, यह बहुत समझने की बातें हैं। इसलिए 7 रोज भट्टी गाई हुई हैं, द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है, सीढ़ी उतरते आए हैं, अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए हैं, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोजरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, बुद्धि में बाप आता है, ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया। गुरु तो ढेर हैं,
उनमें ज्ञान कहाँ है, उनका थोड़े ही गायन है। बाबा कहते हैं वास्तव में यह गायन है सतगुरु शिव बाबा का, ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही शिव बाबा हैं, फिर दूसरा कोई ज्ञान कैसे दे सकता। साधु लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं, शास्त्र पढ़ना यज्ञ तप आदि करना यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं। बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ, भगवान तो एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे, उनका भी बाप शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना, प्रजा यहाँ है धरती पर, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी धरती पर होंगे। नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन, तो बच्चे ठहरे। ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वर्षा शिव बाबा से मिलता है, न कि ब्रह्मा बाबा से, वर्षा दादे से मिलता है। ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके ही हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की, शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमद् अथवा श्रेष्ठते श्रेष्ठ भगवान की गीता है जो बाबा अभी संगम युग पर हमको सुनाते हैं। भगवान एक ही निराकार हैं, बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु शिव बाबा संगम पर मिले दलाल। बहुत काल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, वही पहले पहले बिछुड़े हैं, बाप से बिछुड़कर यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। बाबा कहते हैं हे आत्माएं अब मुझ बाप को याद करो, यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आए हो, अब मुझे याद करो, यह बुद्धि का काम है ना। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो, तुम आत्मा हो ना, यह तुम्हारा शरीर है, मैं आत्मा करती है, तुमको रावण ने पतित बनाया है, यह खेल बना हुआ है, पावन भारत और पतित भारत, जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं राम राज्य चाहिए, कहते भी हैं परंतु अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर तो एक ही शिव बाबा हैं, बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने, फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो, अर्थात अकाली मृत्यु नहीं होती है। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, सतयुग में अकाली मृत्यु होती नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम नहीं रहता, उनको कहते हैं सुखधाम। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहाँ सतयुग में बहुत वैभव है, भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, उस समय भी कितना धन था, भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं ऊंचते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर यह दुनिया। बाबा तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं, मूल वतन जहाँ शिव बाबा और हम आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन जहाँ ब्रह्मा विष्णु का निवास है, और स्थूल वतन यह दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति होती है, गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अब बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, उसमें पहला है, बाबा बोले सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। दूसरा है, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं हैं, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में वा माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा समान से झुकेंगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भगत झुकते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं उसके लिए ऐसी श्रेष्ठ हाईएस्ट स्थिति में सदा स्थित रहेंगे तो माया के कैसे भी रूप आएंगे वो हमको हिलाने के बजाय हमारे आगे नतमस्तक होंगी। आज का स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। अच्छा, ओम शांति।